of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission, no reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. लीजिए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की। शशि थरूर ने गुरुवार को मोदी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये जो बजट आया है वो इस बार का अंतरिम बजट नहीं है बल्कि अंतिम बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार जो दावे कर रही है 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने की, वो भी पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने साफ कहा है कि ये चुनाव और नतीजे साफ बता देंगे कि किसमें कितना दम है। शशि थरूर वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी अपनी जो बातें हैं उनके लिए जाने जाते हैं। वो जिस तरह से अपनी बात रखते हैं उनकी हिंदी और अंग्रेजी में बहुत अच्छी पकड़ है। थरूर ने जीडीपी का भी उन्होंने खुलकर वर्णन किया है। अब क्या कहा है लीजिए आपको बताते हैं किस तरह से शशि थरूर ने जीडीपी को गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस बताने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था के तहत जी का मतलब है गवर्नमेंटल इंट्रूजन एंड टैक्स टेररिज्म, डी का मतलब है डेमोग्राफिक बिट्रेयल और पी का मतलब है पॉवर्टी एंड राइजिंग इनइक्वालिटी। यानी कि जीडीपी को पूरी तरह से उन्होंने पलट कर रख दिया है। शशि थरूर ने अंतरिम केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि बेरोजगारी की बात वित्त मंत्री के भाषण से पूरी तरह गायब थी। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी के जीवन में सुधार के मामले में सरकार को एफ ग्रेड फेल मिलता है, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने इसे फेल बता दिया है। थरूर ने कहा कि मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि इतनी चौंकाने वाली है कि नीचे की 20% आबादी बाजार में उन्हें खरीदने में असमर्थ है, जबकि वो एक या दो साल पहले खरीद सकते थे। ये आम भारतीय के जीवन की वास्तविकता है। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि लोग राम मंदिर के लिए गर्व करते हुए वोट करें, या बालाकोट पुलवामा की घटना को लेकर पाकिस्तान पर कथित प्रहार के लिए गर्व के आधार पर वोट दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री का यह भी कहना था कि भाजपा को साल 2019 में इसी तरह सफलता मिली थी। उन्होंने कहा, इस बार राम मंदिर मुद्दा बनने जा रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि अब अबू धाबी मंदिर को जोड़ा जाएगा। स्पष्ट रूप से सरकार ऐसा करने के लिए नहीं चुनी जाती है, सरकारें आम लोगों के जीवन में सुधार के लिए चुनी जाती है। क्या इस सरकार ने ऐसा किया है? मैं कहूँगा कि उस विशेष मानदंड पर सरकार पूरी तरह से विफल है। तो शशि थरूर पूरी तरह से विपक्ष पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में अगर गर्व करने वाली बात होए तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर मुद्दा है और इसी को लेकर ही सभी लोग वोट देंगे। और जिस तरह से जीडीपी की उन्होंने परिभाषा करी है वो बताते हैं कि पूरी तरह से हमारा जो देश है वो गर्व की ओर जा रहा है, पॉवर्टी राइजिंग हो रही है। पी का मतलब उन्होंने साफ कर दिया है कि पी का मतलब पॉवर्टी राइजिंग, यानी कि देश में गरीबी बढ़ती ही जा रही है। और उन्होंने पूरी तरह से इस बजट को भी निराशाजनक बताया है। तो ये था शशि थरूर का बयान, पूरे विपक्ष को उन्होंने घेर लिया है अपने इस बयान से। फिलहाल ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।